अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम इस एग्जॉस्ट की मोटर जो है कूलर की, इसको कंप्लीट वाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो है बेरिंग वाली, जो डबल बेरिंग की जो मोटर होती है एग्जॉस्ट की कूलर की, ये वो मोटर है। तो मैं इसकी कंप्लीट वाइंडिंग आपको करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो आप इसकी वाइंडिंग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ स्टेटर की। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पेपर है, मैंने ऑलरेडी इसके पेपर निकाले ही नहीं है, क्योंकि ये पेपर अच्छे थे और मुझे चेंज करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसकी इतनी मेहनत जो मेरी बच गई है। और ये 24 स्लॉट की मोटर है दोस्तों। तो मैं आपको इसकी जो स्टेटर की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इसके टोटल स्लॉट जो है 24 है। और दोस्तों जो इसकी स्टैम्पिंग है वो 1 इंची है, मतलब इसका जो स्टैम्पिंग है वो 1 इंच पूरा है। और इसकी जो इनर डाया जो है इसका, ये 3 इंच का है। और इसका जो पूरा आउटर डाया है वो 5 इंच का है। ये देख सकते हैं आप, 5 इंच का इसका आउटर डाया है। तो दोस्तों हम इसको कंप्लीट वाइंडिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे इस साइड से कनेक्शन निकलने वाले हैं इसके। तो दोस्तों हम इसके अंदर 27 नंबर तार डालेंगे, जो 27 नंबर कॉपर वायर है हमारे पास में, हम इसका यूज़ करेंगे इसके अंदर रनिंग के लिए। तो हम इसके जो है दोस्तों, इसका जो कॉइल पीस रहेंगी वो 1 से 4 और 1 से 6 रहेंगी। तो इसको हम लंबा कॉइल बना के 3 अड़ी में भरेंगे। तो जैसे कि हम पहले 1 अड़ी डालेंगे इसकी 1 से 4 में और 2 डालेंगे हम 1 से 6 में। तो आपको इसको ध्यान से देखना है, हम चारों कॉइल एक साथ बना के इसको अखंड वाइंडिंग करेंगे, इसके अंदर जॉइंट का कोई काम नहीं रहेगा और ये क्लॉकवाइज घूमेगी। तो दोस्तों वैसे तो बेरिंग वाली मोटर एंटी क्लॉक होती है, लेकिन ये मोटर क्लॉकवाइज है। तो चलिए अब इसको किस तरह से हम वाइंडिंग करेंगे तो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर ये अपने फार्मा सेट किया हुआ है। तो इसकी जो कॉइल की जो लंबाई है वो 23 इंच है और इसके जो टर्न है वो 90 टर्न है और वायर गेज है इसका 27 नंबर। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको कॉइल बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये हमने जो कॉइल का फार्मा सेट किया हुआ है, तो हमने इसको जो इसकी जो साइज है वो 23 इंच ली है। आप देख सकते हैं 23 इंच इसके हमने साइज ली है। अब दोस्तों इसमें 27 नंबर गेज हम यूज़ करेंगे। तो इसके चारों कॉइल का जो वेट रहेगा वो 300 ग्राम रहेगा। तो अब पहला जो हमारा सिरा है वो हम इस तरफ लगा देते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर अब हम 90 टर्न लगाएंगे। तो चलिए आप किस तरह से हम लगाएंगे आपको ध्यान से देखना है कि किया मैंने स्टार्ट। हाँ तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर पर हमारे 90 टर्न हो चुके हैं, देखिए आप। तो ये हमने पहले कॉइल के 90 टर्न कंप्लीट कर दिए। अभी हमारा जो इस साइड से हमने जो पहला सिरा छोड़ा था उसी साइड को हमको इसको वापस लाना है। अब हम इस कॉइल को पहले बांध लेते हैं धागे की मदद से। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमने इस साइड से इसको पहले शुरू किया था और इसी साइड पर हमारा ये वापस आ चुका है। अब हमने इसको कॉइल को, पहले कॉइल को बांध दिया है। अब इसके बाजू में हम दूसरा कॉइल बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बाजू बाजू में 4 कॉइल बनाना है और उसी साइड से इसको बांधते चलना है। तो चलिए मैं 4 कॉइल इसके बना के आपको दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमने जो है चारों भी कॉइल कंप्लीट कर लिए है। अब हम इसको धागे की मदद से चौथा कॉइल जो हमारा, इसको भी बांध लेंगे और फिर हम इसको चारों कॉइल को बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे हम किस तरह से हम इसके अंदर मोटर के अंदर इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने इसको धागे की मदद से चारों भी कॉइल को बांध दिया है। तो पहले दोस्तों हमने पहला सिरा जो यहाँ पर बांधा था, ये इसी साइड से हमारा ये पहला सिरा भी आया है और हमारा लास्ट भी इसी साइड से आ गया है। हाँ तो दोस्तों हमें जो है अब इस चारों कॉइल को हम बाहर निकालेंगे और आपको मोटर के अंदर हम इंस्टॉल करके बताएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है। और दोस्तों हमने ये चारों कॉइल के अंदर 90 टर्न किए हैं, आप देख सकते हैं। और जिस तरफ से हमारा ये पहला सिरा निकला था, हमने छोड़ा था, उसी साइड से हमारा दूसरा भी नहीं है, आ गया है। और अब दोस्तों हमको सबसे पहला जो हमारा कॉइल बना है उसी को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं फट से इन चारों कॉइल को फार्मा से बाहर निकाल देता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमने अब हम स्टार्टिंग के कॉइल बना लेंगे।
तो हमने ये 29 नंबर का जो कॉपर वायर लिया है, अब हम इसके जो 100 टर्न लगाएंगे, हर कॉइल के अंदर 100 टर्न लगाएंगे। तो हमने जो फर्मी की साइज थी हमारी 23 इंच, उसको उतनी ही रहने दिया है। और अब हम इसको 100 टर्न इसके लगाएंगे तो हमें इसका टोटल वेट लगेगा 250 ग्राम। तो चलिए फटाफट से इसकी भी जो चार कॉइल हम बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको कॉइल इंस्टॉलेशन बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर जो मोटर के अंदर कॉइल इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि मैं किस तरह से इसके अंदर कॉइल को डालने वाला हूँ। तो देखिए, अभी जैसे कि मैंने जो सबसे पहला अपना जो कॉइल बना था, उसी कॉइल को मैंने अपने हाथ में ले लिया है। आप देख सकते हैं ये जो इसका जो स्टार्ट वायर है जो हमारे इधर छोड़ा हुआ है, और ये हमारा जो एंड वायर है जो बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब हमको किस तरह से इसको इंस्टॉलेशन करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। अभी ये जो हमारा जो धागा है वो इस साइड से हमने इस तरह से जो कॉइल रखी है, आप देख सकते हैं हमने ऐसे ही इसको लिया है। अब हम कॉइल को इस तरह से पलट देंगे, तो इस तरह से पलट देंगे, जो हमारा ये जो कॉइल से जुड़ा है वो राइट साइड में आ गया है, और जो हमारा जो स्टार्ट वायर है वो लेफ्ट साइड में आ चुका है। अब हमको इसी तरह से इसके अंदर इसको डालना है, तो हम किसी भी स्लॉट से शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम किसी भी दो स्लॉट के अंदर इसको डाल देंगे, बीच में दो स्लॉट हम खाली छोड़ेंगे। तो हमने ये इस तरह से, इस पर देखिए आप, यहाँ पे जैसे इसके अंदर डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दो स्लॉट हमने खाली छोड़ दिया। अब हम इसको पूरा ऐसा इस साइड से बैक साइड में खींच लेंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पे शेप बना लेना है। ये इस तरह से हमने एक डाल दिया है, हमारा जो स्टार्ट वायर है वो हमारा लेफ्ट साइड से है, और हमारा जो राइट साइड से है जो बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, हमें इसके ऊपर लेज़र पेपर का इस तरह से टुकड़ा लेना है, क्योंकि इसके ऊपर अभी स्टार्टिंग का हमारा कॉइल और आने वाला है, तो इसके ऊपर हमें लेज़र पेपर लगाना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करके 2 7 नंबर लेज़र पेपर के 2 टुकड़े इसके अंदर डाल देंगे। अब हमको इस तरह से इसको पलट देना है। इस तरह से इसको पलटने के बाद में दोस्तों, हमें अब 2 जो अड़ी है हमारी वो हमें दोनों साइड से इसके अंदर डालना है। तो देखिए, अब हम किस तरह से इसके दोनों भी अड़िया को डालेंगे। आपको उसी तरह से घुमाना है। तो इस तरह से अब हम देखो, आप इसको इस तरह से हम इसको घुमा के डालेंगे। तो आप हमको हर कॉइल को उसी साइड घुमाना है। तो चलिए, मैं फटाफट से इसको भी आपको डाल देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अगर आपका ये थोड़ा तार नहीं जाते है, तो आप इस तरह से इसको लकड़ी की मदद से अंदर डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पहली जो इसके अंदर घुमा दी है, जो 1 से 6 में है, पहली अड़ी हमने जो डाली है वो 1 से 4 में थी, बीच में 2 स्लॉट खाली छूटे थे। अब दूसरी हमने 1 से 6 में डाली है। अब हम इसको इस साइड से भी 1 से 6 में डाल देते हैं। तो आपको अगर आप हट जाती है तो आप थोड़े थोड़े तार करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए, एक अड़ी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब हमको इसके ऊपर जो दूसरी अड़ी डालनी है दोस्तों, तो इसको हमको इस तरह से फोल्ड करना है, और अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस साइड से भी 2 अड़ी डाल दी है, आपने ध्यान से देखा ही होगा। अब इसके ऊपर मैं ये PVC शीट जो है 7 नंबर फिल्म पेपर लगा देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कोई कॉइल आने वाला नहीं है, तो इसके अंदर हमको PVC शीट लगाना है। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा एक कॉइल इसके अंदर जा चुका है, आप देख सकते हैं इसको। अब हम इसको थोड़ा सा बैक साइड में दबा लेंगे, ताकि हमारा जो स्टार्टिंग के जो कॉइल है वो आसानी से इसके अंदर आ सके। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमने डाल दिया है, जो हमारा ये वाला जो हमारा स्टार्ट वायर है वो हमारा लेफ्ट साइड से है, और ये हमारा जो राइट साइड से है जो बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो अब हमको इस तरह से इसको पलट देना है। अब हम जो इस वाले कॉइल को लेंगे, तो अब दोस्तों आपने ध्यान से देखा ही होगा कि हमने जो पहले इस साइड से हमने इस तरह का कॉइल पकड़ के हमने इस तरह से पलट दिया था। अब हमको पलटना नहीं है, इसी तरह से हमको डालना है। मतलब हमारा जो पहले जो हमारा जो धागा था वो राइट साइड से चला गया था, अब हमें लेफ्ट साइड से ही इसको रखना है, और इसको इस वाले वायर को इसको पकड़ के इसी तरह से डालना है।
मतलब जो ये हमारा राइट साइड में जो बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ वायर निकला था वो इस साइड में राइट साइड में जाना चाहिए। तो हमको इसी तरह से इसको पकड़ के डाल देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा राइट साइड से राइट साइड में अपने आप चला जाएगा। और अब हम इसके बाजू वाला जो एक स्लॉट है इसको खाली छोड़ेंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर हमारा जो दूसरा कॉइल आएगा। और हमने यहाँ पर एक इसको डाल दिया है और दो स्लॉट खाली छोड़कर अब हम यहाँ पर एक इसको डाल देंगे। तो इस तरह से आपको डालना है। अभी हम ये पहली एक अड़ी इसके अंदर हमने डाल दिया, इसको पूरा पूरा हम बैक साइड में खींच लेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सा हम शेप दे देंगे इस तरह से। दोस्तों आपको डालना है। अब हम फिर से इसके ऊपर लेज़र पेपर लगा देंगे और हम इसको फिर से पलट के जो हमारी दो अड़ी छः में है उसको इस तरह से इसको अब हम पलट देंगे। और अब इसको हमें उसी तरह से वापस से इस तरह पलटा के दो अड़ी इसके अंदर डालनी है राइट साइड से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जल्दी से इसके दो अड़ी भी डाल के दिखाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ये हमने दूसरा भी जो कॉइल है उसको डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो हमारा जो बाकी कॉइल से जुड़ा है वो लेफ्ट साइड से आ चुका है। अब ये जो हमारा लेफ्ट साइड से जो आया हुआ है ये अब हमारे इस लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। तो अब हमको इस तरह से फिर से कॉइल को ले लेना है और अब हम इस वाले कॉइल को इस तरह से फिर से इसको पलट देंगे। अब पहला जो कॉइल था हमने उसको पलटा था, उसके बाद दूसरा कॉइल हमने नहीं पलटा था, तीसरे कॉइल को हम फिर से इस तरह से पलट देंगे। जो हमारा जो धागा है वो राइट साइड से फिर से आ चुका है। अब हम इसको जो ये जो वायर है इसको इसके साथ में पकड़ के इस तरह से डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा धागा है ये इसी तरह से लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो चलिए मैं इसको भी डाल देता हूँ। पहले ये हमने पहले एक साइड डाल दिया है, अब हम इसको दूसरी साइड डालेंगे दो स्लॉट बीच में छोड़कर। और एक स्लॉट हमको यहाँ पे इसके बीच में छोड़ना है ताकि हमारी जो दूसरी अड़ी है वो एक से छः में आ सके। अब हमको फिर से लेज़र पेपर लेना है और इसके अंदर इसके ऊपर लगा देना है। दोस्तों हमें इसको लेज़र पेपर इसलिए लगाना है क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो स्टार्टिंग के जो कॉइल है उसका कॉइल डबल कॉइल आने वाला है। तो जिस जगह पे डबल कॉइल आता है वहाँ पे लेज़र पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको इस तरह से इसको पूरी तरह से पीछे खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसको पीछे खींच लिया है। अब ये जो हमारा जो बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है वो फिर से हमारा राइट साइड में आ चुका है। और जो हमारा जो इधर जो ये वाला जो लेफ्ट साइड से निकला था वो इस साइड में लेफ्ट साइड में आ चुका है। अब हम इसको फिर से इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देते हैं और इसको बैक साइड पूरा कर देंगे हम। और अब हम इसको इस तरह से फिर से हम पलट के जो हमारी जो दोड़ी है वो इस साइड में डाल देंगे। तो चलिए फट से मैं इसके दोड़ी फिर से डाल देता हूँ आपको इस तरह से घुमा के इसके अंदर। इसी जिस साइड से आप घुमाएंगे आपको उसी साइड सभी कॉइल को घुमाना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसके अंदर जो दो अड़ी उसको भी डाल देता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने ये तीसरा कॉइल भी इंस्टॉल कर दिया है। अब हम ये आखिरी चौथा कॉइल ले लेंगे। तो दोस्तों हमने पहले कॉइल को पलटा था, दूसरे कॉइल को जैसे के वैसे ही डाल दिया। अब इस कॉइल को हमने तीसरे कॉइल को फिर पलटा था, अब इसको हम ऐसे के ऐसे डालेंगे। मतलब हमारा जो ये धागा जो हमने बांधा है वो राइट साइड पर ही रहेगा। और ये हमारा जो इधर जो राइट साइड से जो हमारा वायर निकला है जो सभी कॉइल से जुड़ा हुआ था वो अब हमारा इस साइड में राइट साइड में जाएगा इस तरह से। तो हमको इस तरह से इसको राइट साइड में रखना है। आप देख सकते हैं इधर से निकला है ये राइट साइड में जा रहा है। तो इस तरह से हम पहले इसको एक साइड में डाल देते हैं। ये हमने उस साइड से भी एक स्लॉट को छोड़ दिया है और इस साइड से भी एक स्लॉट छोड़ के हम पहले इसको एक से चार में डाल देंगे कॉइल को। तो ये आप देखिए इस तरह से हमने एक से चार में इस कॉइल को डाल दिया है। अब हम सब पूरे कॉइल को इस पीछे बैक साइड में खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी पहले तो हम इसके अंदर इसके ऊपर हम लेज़र पेपर जो हमने लगा देते हैं। आपको सभी अंदर पहले अड़ी पर लेज़र पेपर ही लगाना है। हाँ तो दोस्तों मैंने इस साइड से अभी आखिरी कॉइल को भी हमने अंदर इसके डाल दिया है, लेज़र पेपर लगा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमारा जो आखिरी कॉइल का जो एंड वायर है
वो हमारा इस राइट साइड से निकला हुआ है। तो आपका जो पहला स्टार्ट का आपने जो पहला कॉइल डाला था उसका भी राइट साइड से ही निकला हुआ होना चाहिए। आप इस तरह देख लीजिए, ये राइट साइड से है, ये भी राइट साइड से है। अगर ये ऐसा निकलता है तो उसका मतलब आपकी जो इसकी जो पद्धत है वो बिल्कुल भी चुकी नहीं और सही तरह से हमने इसको घुमा के डाल दिया है। तो इसमें जॉइंट का कोई ये नहीं रहता है। तो इस कॉइल से इस कॉइल को जुड़ा हुआ है, ये कॉइल जुड़ा हुआ है और ये कॉइल इससे जुड़ा हुआ है। अब ये इस तरह से हम इसको फिर से पलट देंगे और इसकी भी हम दोबारा इस तरह से घुमा के डाल देते हैं। तो चलिए मैं सभी कॉइल आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो चारों भी कॉइल हमारे रनिंग के इंस्टॉल हो चुके हैं। अब दोस्तों हम इसको इस जगह से सब इस सभी कॉइल को बांध लेते हैं अच्छी तरह से यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा कि हम जब इसके अंदर स्टार्टिंग के कॉइल डालेंगे तो ये कॉइल हमारे इस तरह से फैलेंगे नहीं। तो हमको इसको बांध के अच्छी तरह से इसको दबा लेना है। तो चलिए मैं पहले इसको बांध के आपको अच्छी तरह से दबा के फिर बाद में हम इसके अंदर स्टार्टिंग के कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो किस तरह करेंगे आपको वो भी ध्यान से देखना है। तो चलिए मैं पहले इसको अच्छी तरह से बांध देता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब हम स्टार्टिंग के जो कॉइल हमारे तैयार हमने किए हैं तो अब हम उसको डालेंगे। तो हमको सबसे पहले तो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको जो हमारा डबल कॉइल आने वाला है इसको अच्छी तरह से दबा लेना है। अब दोस्तों हम उसी तरह से जिस तरह से हमने रनिंग के कॉइल डाले थे उसी तरह से हम स्टार्टिंग के कॉइल डालेंगे। तो हमने जो सबसे पहला जो कॉइल बनाया था उसको सबसे पहले डालेंगे हम। और दोस्तों हम ये जो हमारे जो ये दो इसके आउटर इसके वायर निकले हुए हैं रनिंग के, उन दोनों वायर के बीच से शुरू करेंगे ताकि हमारे कनेक्शन एक ही जगह पर रहे। और हम इसको फिर हम आपको कनेक्शन जब हम करेंगे उस वक्त में मैं बताने वाला हूँ कि हम कौन से वायर को इसको कॉमन बनाएंगे तो हमारी ये मोटर क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैं ले लिया है पहला वाला कॉइल हमारा। तो अब हम जो है इसको पहले वाले कॉइल को जिस तरह से हमने उस कॉइल को इस तरह से पलट दिया था हम उसको इसको भी इस तरह से पलट देंगे। ये जो हमारा स्टार्ट वायर है वो हमारा लेफ्ट साइड से आ चुका है और ये हमारा जो एंड वायर है जो हमारा बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है वो राइट साइड से आ चुका है। अब हम इसको भी इसी तरह से इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो हम जो यहाँ पे हमने जो लेज़र पेपर लगाया था उसके ऊपर हम इसको डालेंगे। तो इस तरह से अब इसको एक साइड से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर पीवीसी सीट लगाएंगे 7 नंबर का। अब हमको इसको लेज़र पेपर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अब हम इसको ये मैंने डाल दिया इसके अंदर इस साइड से। अभी हम जो है इसको जो दूसरा भाग है हमारा वो इस साइड से डाल देंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो इस तरह से हमने अब ये दूसरी साइड भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको भी इसके ऊपर फिल्म पेपर डाल देते हैं और अब इस कॉइल को भी हम बैक साइड में पूरी तरह खींच लेंगे इस तरह से और हम इसको भी थोड़ा सा इसको शेप दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें एक कॉइल एक अड़ी इसके अंदर हमने डाल दिए जो 1 से 4 में। अब दोस्तों हम इसको इसी तरह से वापस पलट देंगे और 2 अड़ी हम इसके बाजू में 1 से 6 में इसकी भी डाल देंगे। और दोस्तों जो आप जो भी आपका कोई अगर वाइंडिंग से रिलेटेड या कुछ सवाल है या आप इस वीडियो के अंदर कुछ अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम 2 अड़ी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों इसको वाइंडिंग करने का, ये बहुत आसान तरीका है। अब इस तरह से जो 1 अड़ी तीसरी जो हमारी बची है उसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो हमारी जो 1 से 4 में 1 अड़ी है और 1 से 6 में 2 अड़ी है। और अगर आपका कॉइल नहीं जाता है तो आप इस तरह से बांस की लकड़ी लेकर उसको इस तरह से डाल सकते हैं या आप थोड़े थोड़े करके भी डाल सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपका जो ये वायर है वो ज़्यादा घिसना नहीं चाहिए, आपको धीरे धीरे ही करना है। तो इस तरह से इसके अंदर मैंने 2 अड़ी डाल दिया है। अब इसके ऊपर भी मैं पेपर लगा देता हूँ। अब जो हमारी इस साइड की एक बची है उसको भी मैं डाल देता हूँ।
हाँ तो दोस्तों ये हमने एक कॉइल इंस्टॉल कर दिया है। तो ये हमारा जो स्टार्ट वायर था वो लेफ्ट साइड से है, और ये हमारा जो आउटर वायर है जिसको हम एंड वायर भी कह सकते हैं, तो ये हमारा जो बाकी कॉइल से जुड़ा है वो राइट साइड से है। अब हम इसके बाजू में जो कॉइल डालेंगे तो उसको भी हम इसी तरह से डालेंगे, तो ये हमारा जो इधर जो राइट साइड में वायर आया वो इस साइड में राइट साइड में जाना चाहिए। तो हमने उस कॉइल को इस तरह से पलटा था, अब इसको हम नहीं पलटेंगे, इसको इसी तरह से डालेंगे। तो इस तरह से हमें इस कॉइल को डालना है, तो ये जो हमारा वायर है वो इस साइड से आके राइट साइड में जाना चाहिए, यानी मतलब जो राइट साइड से निकला हो राइट साइड में ही जाना चाहिए। तो चलिए मैं इसको भी जल्दी से डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया एक साइड। अभी हम इसको फिल्म पेपर लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब हम इसको इस साइड से भी डाल देते हैं, इसके ऊपर भी एक पेपर मैं लगा देता हूँ। इस तरह से मैंने इसको पेपर लगा दिया। अब जो हमारा जो बचा हुआ कॉइल है हम इसको बैक साइड खींच लेंगे, और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा जो राइट साइड से वायर निकला है वो राइट साइड आ चुका है। अब हम इसको फिर से इस तरह से पलट देंगे, और पलटने के बाद फिर से इसमें जो दोड़ी हम वापस इसके अंदर डाल देंगे। तो ये एक साइड में पहले इसको एक से छः में डाल देता हूँ इस तरह से। दोस्तों आपको सभी जो है कॉइल को एक ही साइड घुमाना है, तो ये डाल दिया मैंने एक अड़ी। अब जो बाकी बची हमारी एक अड़ी है हम उसको भी इसमें पलट के डाल देंगे। हाँ तो ये डाल दिया मैंने दोनों भी अड़ी, फिर हम इसको मोटर को फिर से इस तरह पलट देंगे। अब ये जो हमारा जो ये सभी कॉइल से जो जुड़ा हुआ वायर है वो हमारा राइट साइड में आ गया, तो अब वो हमारे इस साइड में राइट साइड में जाएगा। तो पहले मैं इसको कॉइल को जो हमारे पहला कॉइल है उसको थोड़ा सा नीचे दबा देता हूँ। आपको हर कॉइल को इसको इस तरह से दबाते रहना है ताकि आपका जो ये कॉइल है ऊपर आसानी से चला जाए। तो हमने पहला वाला कॉइल को पलटाया था, फिर इस वाले कॉइल को हमने सीधा का सीधे ही डाला है। अब हम इस वाले कॉइल को फिर से लेके इस तरह से पलट देंगे, तो ये जो हमारा जो वायर है जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो इस साइड के लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। तो इस तरह से इस वायर को हम साथ में इसके पकड़ लेते हैं, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको अभी डाल देता हूँ, तो ये कॉइल मैंने डाल दिया। देखिए अब ये जो वायर हमारे लेफ्ट साइड से निकला है वो लेफ्ट साइड में चला गया। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये वायर है वो लेफ्ट साइड से अगर निकला है तो लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, और राइट साइड से निकला है तो राइट साइड में ही जाना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको पीछे खींच लेंगे, और ये दूसरी साइड भी इसके डाल देता हूँ मैं इस तरह से। फिर हम इस कॉइल को पूरी तरह से पीछे खींच लेंगे। अब इस कॉइल को हम पीछे खींच के आपको दोड़ी इसके अंदर डाल के दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों ये तीन कॉइल हमारे स्टार्टिंग के भी हमने डाल दिए हैं, अब हम ये आखिरी चौथा कॉइल लेंगे। तो दोस्तों अभी हमको हमने जो है इस पहले कॉइल को पलटा था, दूसरे कॉइल को सीधे ही सीधा डाला, तीसरे कॉइल को पलटा था, अब इस कॉइल को हम ऐसे ही सीधा डालेंगे। तो हमारा जो ये राइट साइड से जो वायर निकला हुआ है वो इस राइट साइड में जाना चाहिए, तो इस तरह से हम इसको डालेंगे। तो चलिए मैं इसको डाल देता हूँ, ये एक साइड मैंने डाल दिया है, इसके ऊपर मैं ये पीवीसी शीट लगा देता हूँ, और ये अब हम इसको बैक साइड खींचेंगे, और इस साइड से भी इसको डाल देता हूँ मैं।
और दोस्तों अभी आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कनेक्शन करते समय आपको किस तरह से कनेक्शन करना है, क्योंकि ये मोटर जो है बेयरिंग वाली मोटर है। बेयरिंग वाली मोटर अक्सर एंटी क्लॉक होती है, जो घड़ी से उल्टी दिशा में घूमती है, लेकिन अभी ये जो मोटर है हमारी, ये एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक वाइज है। तो हम इसको किस तरह से कनेक्शन करेंगे ताकि ये क्लॉक वाइज घूमेंगी, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए अभी मैं इसको कॉइल पूरा इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैंने सभी कॉइल इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारे जो दो वायर है ये स्टार्टिंग के हैं, और ये दो वायर जो हमारे रनिंग के हैं। तो मैंने इस तरह से एक लेज़र पेपर की पट्टी काटी है और इन दोनों कॉइल के बीच में इस तरह से डाल दिया है, जो आप देख सकते हैं इसमें एक पट्टी लगी हुई है। तो दोस्तों आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा इस साइड का जो भी वायर है वो इस साइड में नहीं आना चाहिए, और हमारा ये पेपर जो है नीचे तक के बराबर जाना चाहिए। अब हम इसको किस तरह से वायरिंग करें मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो ये राइट साइड वाले दोनों भी वायर हैं, हम इसको दोनों को एक करके कॉमन बनाएंगे। अगर ये एंटी क्लॉक होती तो हमको इस साइड से जो हमारा राइट साइड वाला वायर है और ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला वायर है, इन दोनों को कॉमन बनाना पड़ता, तो ये हमारी एंटी क्लॉक होती। लेकिन अभी ये मोटर क्लॉक वाइज है, तो हम इसको जो हमारे राइट साइड वाले दोनों वायर हैं इन दोनों को मिला के हम एक कॉमन बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने वायर की लीड ली है, ये दो वायर जो है हमारे ब्लैक कलर के, ये हम इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ करेंगे, और ये दो येलो कलर के जो है हम कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब मैं इसको किस तरह से फटाफट से मैं आपको वायरिंग करके दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसकी वायरिंग करेंगे। हाँ तो दोस्तों इस तरह से हमने एक नंबर सिलू पाइप इसके अंदर डाल दिया है। अब हम जो है इस तरह से इसको इन दोनों को मिला के कॉमन बनाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों को एक कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम जो है कि ब्लैक वाला वायर है जो हम कॉमन के लिए यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से अब इसको अच्छा तरह से आपको टाइट करना है। ये हो गया हमारा जो कॉमन वायर है। अब दोस्तों ये जो हमारा इधर वाले जो दो वायर बचे हैं जो कैपेसिटर पे आने वाले, तो ये हमारा जो रनिंग वायर है जो बाहर से निकला हुआ ये रनिंग वायर है, इसके ऊपर हम एक ब्लैक वायर लगाएंगे और एक येलो वायर लगाएंगे। इसके ऊपर दोस्तों हमें दो वायर जोड़ने हैं। इस तरह से हम दोनों वायर को एक साथ ले लेते हैं और इस तरह से इसको इसके ऊपर जोड़ देंगे दोनों भी वायर को। ये हो गया हमारा, एक कैपेसिटर पे जाएगा और एक वायर हमारा इलेक्ट्रिक पे जाएगा जो रनिंग वायर होगा। इस तरह से दोनों वायर हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं, और अब एक जो हमारा वायर बचा है कैपेसिटर के लिए वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये जो एक कैपेसिटर के लिए हमारे पास वायर है दूसरा, वो स्टार्टिंग का जो हमारा एक वायर बचा है उसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से इसको टाइट करना है। ये हमने लगा दिए चारों वायर, आपने देखा होगा ये जो हमारा है जो हमारे राइट साइड से दोनों भी वायर निकले हैं, एक रनिंग से वायर निकले एक स्टार्टिंग से, इन दोनों को मिला के हमने कॉमन बनाया है। और जो हमारे रनिंग वायर है बाहर का उसको हमने दो वायर जोड़े हैं जो एक कैपेसिटर के लिए रहेगा और एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी में जाने वाला रहेगा। ये मोटर जो है दोस्तों सिंगल स्पीड वाली मोटर है, इसको डबल स्पीड नहीं होती, और ये हमारा एक कैपेसिटर का वायर है। अब हम इसके अंदर तीन नंबर सिल्यू पाइप लगा के इस तरह से इसको बांध लेंगे। तो चलिए मैं पहले इसके अंदर तीन नंबर सिल्यू पाइप आपको डाल के दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने जो इस तरह से इसमें तीन नंबर सिल्यू पाइप लगा दिया, ये हमारा जो कॉमन वायर है और ये हमारा जो स्टार्टिंग का एक कैपेसिटर पर जाने वाला वायर है, और ये जो हमने दो वायर एक लगाए हैं ये एक वायर इलेक्ट्रिसिटी पे जाएगा और एक वायर कैपेसिटर को जाएगा। अभी दोस्तों हम चारों वायर को इस तरह से इसके साथ पकड़ लेते हैं और हम इसको बांधेंगे। तो हम सबसे पहले एक इस तरह का एक लेज़र पेपर का टुकड़ा कनेक्शन के नीचे रखेंगे, ताकि अगर हमारे कनेक्शन शॉर्ट हो तो मोटर पर इसका कोई असर ना हो। तो चलिए अब मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ बांधने के बाद। हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी हमने इस तरह से इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से बांध लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग में ये वाइंडिंग हो चुकी है, और ये हमारे जो चार वायर ये निकल चुके हैं। ये दो वायर जो हमारे इलेक्ट्रिक में जाने वाले हैं, ये दो वायर हमारे कैपेसिटर पे जाने वाले हैं।
अब हम इसके ऊपर जो इंसुलेशन वार्निश डालेंगे और इसको सूखने के लिए रखेंगे। तो आपको इंसुलेशन डालते वक्त इसको आपको ध्यान रखना है कि आप जब इसके अंदर इंसुलेशन डालेंगे तो आपको ये जो स्लॉट के अंदर भी डालना है, क्योंकि इस जगह पे आप जो हम जब वायर इसके अंदर डालते हैं तो कुछ ना कुछ वायर को टच लगता है हमारा, तो यहाँ पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।